लालकुआ कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि कांग्रेस 2022 का चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ेगी और सत्ता में वापसी करेगी। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है तथा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर विधानसभाओं से लेकर ग्राम सभाओं तक हरीश रावत की चर्चा हो रही है। अभी हम उत्तराखंड पूरा भ्रमण करके आए हुए, सब जगह हरीश रावत जी कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत जी चेहरा नहीं होना चाहिए? हरीश रावत जी ही 2022 का मुख्य चेहरा हरीश रावत जी होंगे और जनता स्वीकार कर रही है। और लोग कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं, क्या इनसे ये पूछा जाए कांग्रेस के इतिहास के बारे में आप लोग जानते हैं? हरीश रावत एक राष्ट्र के महासचिव और आसाम के आपके प्रभारी हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। तो इतना बड़ा कद, ये तो उत्तराखंड का भाग्य है कि जो हरीश रावत जी यहाँ पे कांग्रेस का 2022 में चेहरा बना रही है। कांग्रेस का सुपड़ा तो क्या साफ होगा, कांग्रेस खत्म समझिए यहाँ से, उत्तराखंड से। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के अंदर घुस आए हैं और वो लोग पार्टी को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तो इसलिए वो लोग हरीश रावत जी को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रावत जी आएंगे तो 22 में कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देंगे।